सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज की वीडियो में ये सेकंड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो वो देखो क्या क्या प्रतीक भाई ने करा, क्योंकि वो एक जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हैं अब, वो की बहुत बड़ी बात है कनाडा में। 4 ईयर्स लाइक इंक्लूडिंग स्टडीज आप मतलब एक जनरल मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच रहे हो। सो मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया। अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हो तो प्लीज देखो इस वीडियो। और प्रतीक भाई का यूट्यूब चैनल भी है। प्रतीक भाई, मैं चाहूंगा प्रतीक भाई एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दे। एक अगर आपको पूरा नरेटिव फॉर्म में या एक एक्सपैंडेड फॉर्म में चाहिए तो पिछले वीडियोज में हमने उसमें बात करी है। बट ठीक है, मैं 2018 में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था कनाडा में। मेरा कोर्स जो था वो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट था हम्बर कॉलेज से। एंड 2 साल के कोर्स में मैंने एक सेमेस्टर का ब्रेक लिया, उसमें मैंने खूब सारा काम करा, वो सब मैंने बात कर रखी है पीछे। मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिला एंड उसमें मैंने अपनी मल्टीपल जॉब्स चेंज करी है। मैं एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में गया हूँ। सो वो आप पूरा मेरा लिंक्डइन देख सकते हो, लाइक यू नो, अगर आपको चाहिए तो। बट यस, मैं यहाँ पे हूँ लाइक यू नो, आई एम वर्किंग एज अ जर्नल मैनेजर फॉर फ्यू रेस्टोरेंट्स। एंड काफी अच्छी चीजें लगी हैं मुझे, लाइक यू नो, जो मेरा सेक्टर है अभी। एंड मैंने बस मेहनत करी है एंड वही आपको करनी है। तो ये बस मेरे बारे में एंड थैंक यू सो मच अरबाज। इट्स माय प्लेजर। सो इस वीडियो में हम एक रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि प्रतीक भाई ने काफी रिक्रूटमेंट्स करी हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे कि रिज्यूमे में क्या आप इनसाइट्स देख सकते हो, और जॉब्स के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, और कुछ बेसिक कुछ जो लोगों के डाउट्स है ना उनको भी इकट्ठे करके लाया मैं, उनके बारे में भी और हम इस वीडियो में बात करेंगे। प्रतीक भाई, पहली चीज जो मुझे पूछनी है वो स्टडी आवर्स के बारे में। जैसे कि अब स्टडी आवर्स बढ़ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमको 20 आवर्स का पहले लिमिट था, बट अब इन्होंने कहा कि आप 40 आवर्स भी करो, ज्यादा भी करो, तो हमें क्या फोकस स्टडी पे करना चाहिए, 20 आवर्स ही पढ़ो और फोकस स्टडी पे करो, या मतलब और ज्यादा आवर्स के लिए जाओ व्हाइल यू आर स्टडी? अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता, मैं जब कनाडा आया था, मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट था कि मेरे को अपनी पढ़ाई खत्म करनी है, उसके बाद वर्क परमिट पे मैं जितना काम कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, राइट? अभी आप देखो कि लाइक चलो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऑब्वियसली लेबर फोर्स अभी इतना खाली पड़ा हुआ है कनाडा में, तभी एक वो लिमिट उन्होंने बढ़ा दी, राइट? दूसरी चीज भी आप ये देखकर चलोगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है, लाइक राइट, और वो जो वैल्यू है डॉलर की वो उतनी अप्रोक्सीमेट नहीं है, राइट? तो अब आप खुद सोच के देखो कि लाइक पढ़ाई यहाँ पे सबसे बड़ा एक एडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि मेरे स्टडी वीजा से ही मेरा वर्क परमिट निकलेगा, वर्क परमिट से मेरा पीआर निकलेगा। अगर मैं यहां गलती कर देता हूं तो मतलब आई एम पुटिंग माई फ्यूचर इन टू अ वेरी बिग लॉस, राइट? 20 घंटा जो है मैं मानता हूं कभी कभी बहुत कम लगता है, क्योंकि सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पैसा कमाने की, पैसा भेजने की, स्पेंड करने की, सेव करने की, वो हर किसी के अलग अलग है। ऐसे टाइम पे मैं ये बोलना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो शायद मैं 20 की जगह 25 या 28 घंटे जाता मैक्सिमम, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा असाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अगर जॉब में हुक्ड अप हूं और अगर मेरे को रात को असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, उसमें मैं 100% नहीं हूं तो मैं फेल हो जाऊंगा, राइट? एंड वी नो कि लाइक यू नो, मिड टर्म फाइनल 50% बनाता है और असाइनमेंट दूसरा एक्स्ट्रा 50% बनाता है, तो आपको दोनों में एवरेज करके 50% एग्रीगेट चाहिए। बट डोंट पुट योर स्टडीज इनटू अ जेओपीडी एग्जाम। सो अगर हम एक, जैसे आप रिक्रूटर, तो हम एक रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो एक रिज्यूमे में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और कैसा एक रिज्यूमे होना चाहिए, क्या इनसाइट्स लगी? तो मैं इसको दोनों तरीके से रखता हूँ। लेट्स से जब मैं जॉब सीकर था, मैंने तब क्या चीजें करी थी और मैं क्या इन्वॉल्व कर रहा था, और अभी जब जैसे मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, तो जब मैं जॉब सीकर था, लाइक यू नो अरबाज, लाइक मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि मेरे कीवर्ड्स कैसे मैच हो रहे हैं मेरी पोजीशन के हिसाब से। अब अगर मुझे पता है कि एक लाइक यू नो एंट्री लेवल पोजीशन है, लाइक यू नो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर सर्विस मैनेजर, ये मतलब इन पे मेरा सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स और मेरी लाइक थिंकिंग एक कस्टमर को हैंडल करने के लिए वही मैटर रखेगी, राइट? बट अगर मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं सुपरवाइजर, मैनेजर, जर्नल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर्स पे जा रहा हूँ, तो वहां मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके जो कुछ वर्ड्स हैं वो मेरे रेज्यूमे से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बात सच होती है कि मतलब कि रिज्यूमर्स को कीवर्ड्स पे एनालाइज करा जाता है, बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर में डाल के उसके हिसाब से तुम्हारे रिज्यूमे पिक करते हैं। क्योंकि आप ये देखो, एक जॉब के लिए आपके पास 1000 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? अब अगर एज अ रिक्रूटर मैं अगर मैन्युअली उसे देखा रहूंगा तो मेरा कभी भी लाइक कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, ठीक है?
तो देयर आर लॉट ऑफ एआई टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मतलब एक तरह से रेज्यूमे को स्कैन करके एक बोलते हैं ना कि लाइक यू नो हमारे रिक्रूटमेंट एजेंसी में ऐसा है कि व्हेन आई पोस्ट अ जॉब एंड यू आर अप्लाइंग और आई एम अप्लाइंग टू इट, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे जाता है. अगर आपके कीवर्ड्स नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर निकाल के मेरे पास ईमेल पे भी नहीं भेजेगा रेज्यूमे. तो मुझे पता भी नहीं है कि लाइक अरबाज कौन है, प्रतीक कौन है, या फिर एक्स वाई जी जो भी बंदा है, मुझे पता ही नहीं होगा. अगर मेरे कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं उस जॉब पोस्टिंग को लेकर, क्योंकि देखो हर जॉब पोस्टिंग में होगा कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, और 5 से 10 पॉइंट होते हैं कीवर्ड्स जो होते हैं लाइक उसमें. लेट्स से लाइक समवन इज कहीं ना कहीं व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग वाला जो जोन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स थोड़ा सा ड्राइव करने हैं. लेट्स से टीम ओरिएंटेड आता है राइट, और अगर आपके रिज्यूमे में टीम विजनरी है, ठीक है, आपके रिज्यूमे में टीम बिल्डिंग है, तो वो लाइक उससे ओरिएंटेड और विजनरी, दैट्स अ सिनोनिम इट्स अप. ओके, सो इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो करियर ऑब्जेक्टिव होता है इसमें हमें ये डालना होता है या ऐसे ही हम कीवर्ड्स डाल के डाल सकते हैं रिज्यूमे में? आपको बेसिकली क्या करना है कि आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आपने रिज्यूमे क्रिएट करा है, ओके, उसमें आपके सबसे ज्यादा कीवर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखो आपके 3 लाइन से ज्यादा का नहीं. ओके, सो ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, बट जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, exactly. उसमें से वो कीवर्ड्स होने चाहिए राइट. लाइक यू नो लेट्स से ऑन दैट पार्ट, अब आप यही करोगे, आप अपना नाम डाल दो, ईमेल डाल दो, ऑब्जेक्टिव लिखते हो, फिर आपके की सिनोनिम्स आते हैं राइट. लाइक यू नो मतलब आपके की रोल्स, की रोल्स के बाद आपका एक्सपीरियंस आएगा जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, बट वो जो सेक्शन है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वो सबसे इंपॉर्टेंट है. वहीं से जो जैसे मैंने जॉब पोस्टिंग अगर डाली है, लेट्स से कोई भी कितनी सारी कंपनीज, आप किसी भी कंपनी का उठाओ, गूगल डालो, तो गूगल ने भी हमेशा अपने लाइक जॉब जेडी जैसे बोलते हैं हम लोग, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें मेंशन होगा कि लाइक व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड. सो इफ दैट एक्सपेक्टेशन इज फॉलोइंग अप 70% ऑफ योर रेज्यूमे कीवर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको 70% से तो पार होना ही होना है. ओके, और बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक यू नो देयर आर लॉट ऑफ क्रोम एक्सटेंशंस जिसमें आपको स्कोर दिख जाता है, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में आपका रेज्यूमे बना के देती है, और ऊपर से एआई इंटेलिजेंस अब आ गया है, तो लाइक रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी स्मार्ट हो गई, क्योंकि हर किसी को जॉब चाहिए. और हर किसी को जॉब मिल नहीं रही है क्योंकि रेज्यूमे इतना स्ट्रांग नहीं है, लिंक्डइन इतना स्ट्रांग नहीं है, और कवर लेटर इतना स्ट्रांग नहीं है. तो उसी चीज को मॉड अगर हम करते रहेंगे और उस स्कोर तक लेकर आ जाएं, तो डेफिनेटली मेरा एक सॉफ्टवेयर से रेज्यूमे निकल के एक रियल पर्सन पे आ रहा है. तो वही हमको करना है. सबसे बड़ी बात यह है कि लाइक हमारे पास यहाँ पे जो है एक लिमिटेड रिसोर्सेज है राइट. एज अ स्टूडेंट हो गया, एज अ इंटरनेशनल वर्क परमिट पे अगर मैं हूं, तो लाइक मुझे नहीं पता, मेरे को क्या लगता है कि मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, इंडीड पे जाऊंगा, अप्लाई करूंगा और मेरे को जॉब आ जाएगी? नहीं. जब तक वो कीवर्ड्स मैच नहीं करेंगे, जब तक वो कीवर्ड्स मेरे जेडी से मैच नहीं करेंगे, मेरे को कॉल नहीं आएगा, कोई भी रिक्रूटर मुझे नहीं पूछेगा. फिर तो मैं ऐसे तो 50,000 लाइक यू नो 100,000 लाइक यू नो जॉब्स में अप्लाई करता हूँ, क्लिक ही तो करना है ना मुझे. बिल्कुल. तो वही एक चीज होगी कि लाइक आप उस रेज्यूमे को लेकर बैठो. सबसे पहले तो मेरा जो गोल था कि लाइक यू नो, या फिर जब ऐसे मैं किसी को बताता हूँ कि लाइक आपको कैसे जॉब ढूंढनी है, अपने लिए 4 कंपनीज ढूंढो जो आपकी बेसिक टॉप प्रायोरिटीज हैं, और आपका विजन है कि भाई मेरे को बस इन्हीं के लिए काम करना है. वो 4 कंपनीज में से आप अपना सेक्टर ढूंढो, क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेक्टर्स, हर चीज में नहीं जा सकते, कोई स्पेसिफिक रहना पड़ेगा. जैसे आप, मैं देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं स्पेसिफिक जा रहे हो बहुत ज्यादा, तो वो भी बहुत एग्जैक्टली वो एक आपको लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि लाइक यू नो दिस इंडस्ट्रीज आर लाइक ट्री इटसेल्फ, इतनी सारी ब्रांचेस हैं. अब आप एक कहीं तरफ मुड़ गए, वापस आने में आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा राइट. तो अब आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, एक्सपीरियंस भी वेस्ट हुआ, और अब कहीं पे जाके लाइक यू नो एक मीडियोकर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो. तो मेरा बस फंडा ये है कि लाइक आप 4 कंपनी चूज करो, 4 में से वो सेक्टर चूज करो, उन सेक्टर में से लोगों को ढूंढो जो आपके एक तरह से मेंटोर्स हैं. ओके, राइट. अब मेंटोर्स का बेसिकली फंडा क्या होता है कि वो लोग जो उस पोजीशन पे है जहां पे आपको पहुंचना है राइट. अब ये नहीं है कि लाइक मैं उनके पास जाके सीधा मैसेज करूं, हे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आप इस कंपनी में काम करो, ये मेरी ड्रीम कंपनी है. कोई भी भाव नहीं देगा राइट. दैट इज द रियल थिंग राइट. बट अगर मैं कोई सर्विस उन्हें अफोर्ड कर रहा हूँ, या फिर लाइक आई टॉक टू देम लाइक इन अ वे इट्सेल्फ, जो एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज होती है कि आप घुमा के चीजें लेकर जा रहे हो, बट आपको पता है आपका मोटिव क्या है राइट. एक बंदा जरूर रीच आउट करेगा. और सबसे बेस्ट मैंने चीज ये देखी है कि मेरे को अगर कोई लिंक्डइन पे अप्रोच करता है और वो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है कि मैं इस पोजीशन पे क्या स्किल्स लेकर पहुंचा हूं, और कोई मेरे से लाइक मनी मैटर में पूछता है, तो मैं उसे जवाब भी नहीं देता राइट. क्योंकि यू कीप लाइक अ मैन कीप्स हिज सैलरी रियली डिस्टिंक्ट राइट. सो वो आपको करना है. जैसे गर्ल्स अपनी एज रखती है, मैन अपनी सैलरी डिस्टिंक्ट रखता है. ठीक है, हमेशा रेंज में. एग्जैक्टली राइट. लेकिन आपको रियल नंबर देना ही नहीं है, रियल नंबर अपनी फैमिली को दो, मजा भी नहीं आता.
तो ऐसे कोई मेरे को अगर मैसेज करेगा और मेरे डीएम में इन मेल्स में आएगा तो लाइक मेरे को भी अच्छा लगेगा कि भाई कोई बंदा ऐसा है जो मतलब मेरे को एज अ मेंटोर देख रहा है एंड आई कैन शेयर माय नॉलेज कि मैंने क्या डिफरेंट करा, क्योंकि चार साल मेरे भी मैं भी बहुत स्ट्रगल से निकला हूँ, ठीक है, मेरा भी बहुत मेंटल ट्रॉमा हुआ है, लाइक यू नो इट इज लाइक यू नो एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। अगर मेरे को पहले से ही सारी चीजें मिल जाती तो वो मजा नहीं आता, राइट, वो वैल्यू नहीं लगती फिर, तो लाइक वो चीज है। तो मैं तो कहूंगा लिंक्डइन इज द बेस्ट टूल लाइक यू नो टू फाइंड एनीथिंग। आपको लगता है कि लाइक आपने कोई कोर्स करा, आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है, लिंक्डइन पे जाओ, अपना स्कूल का नाम सर्च करो, देखो कितने लोग वहां से ग्रेजुएट हुए हैं, ओके, ठीक है, कितने लोग कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है, देखो शक्ल देखकर प्रोफाइल देखकर भी पता चल जाता है कि ये बंदा मुझे रिप्लाई कर देगा, प्ले द हिंट गेम। अगर ये अच्छा तरीका है, इंस्टेड ऑफ रीचिंग जो आपको बिल्कुल ही नहीं जानता हो, इंस्टेड कि भाई मैं तुम्हारे आपके कॉलेज में हूँ सर, मेरे को थोड़ा गाइड कर दो। सही बात। और मैं तो ये कहूंगा, देखो आप अभी शायद 2022 के बैच में हो, क्या पता कोई 2020 के बैच में कोई अच्छी पोजीशन पे लगा हो, राइट, तो 2-3 साल स्टिल नॉट अ बैड टर्म। लाइक मैं तो कहूंगा 10 साल पीछे भी कोई है, लाइक यू नो जिसने 2010 या 12 में कंप्लीट करा है और वो, तो वो सोचे कितने अच्छे लेवल पे होगा, राइट। और अगर आप इस लेवल पे जाके उसे पूछोगे कि भाई आपने क्या करा इस जॉब को लेने के लिए, मैं किस स्किल्स पे काम कर सकता हूँ कि मैं आपके लेवल तक पहुंच सकूं, प्लीज शेयर मी अप, एवरीवन विल डू। बट अगर आप जॉब मांगोगे, किसी से उनकी सैलरी पूछोगे, किसी के पर्सनल थिंग्स पूछोगे, कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा, वो मैसेज देखकर डिलीट ही होने वाला है। तो इट इज दैट वे। तो लिंक्डइन बेस्ट टूल है, लाइक वहां जाओ, वहां सर्च मारो, अपने आप फैकल्टी देखो, लोग देखो, लाइक यू नो जहां पे वो पोजीशन पे लगे हुए हैं। और उसके बाद सबसे बेस्ट थिंग है कि लाइक आप जॉब्स फिल्टर आउट कर सकते हो, कितना सारा सिनेरियो है लिंक्डइन पे, मेरे को लगता है बेस्ट थिंग वही है शायद। और यहाँ पे प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है, अगर मेरे को अच्छी जॉब चाहिए, मेरे को अगर वो मेन लेवल या फिर एंट्री लेवल पे नहीं रहना तो मेरे को थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़े। जैसे मैंने भाई की सर बोलूंगा मैं तो प्रोफाइल देखी, तो मैंने भी वहां से सारी चीजें देखी और इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ना स्किल सेट अरेंज कर रखा। एक होता है सिर्फ एक्सपीरियंस, नहीं नहीं भाई, एक्सपीरियंस या जॉब पोस्ट नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे से पैराग्राफ्स में लिख रखा है कि मैं यहाँ पे क्या सीखा। और ये भी बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं कि जहां पे अभी ये जाना चाह रहे हैं उस हिसाब से इन्होंने अरेंज करके लिखा कि भाई अब मुझे ये मेरी टारगेटेड है। चूंकि अब इनको हो गया लगभग काफी, मुझे लग रहा है 1 साल हो गया इस जॉब में, जी, तो अभी ये सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो इन्होंने उस हिसाब से रीशेप कर दिया होगा उसको। तो वो ये जहां जाना चाह रहे हैं उस हिसाब से लिंक्डइन प्रोफाइल को सेट करो कि भाई ये वाली एक्सपीरियंस इस वाली जॉब के लिए रेलेवेंट है तो वो मैं उसमें डालूं, चूंकि रिक्रूटर्स ये देखते हैं। बिल्कुल।